नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों से। गेटवेल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर देशमुख से हमारी चर्चा होगी। नमस्ते सर, जैसे कि आज देखने में आया है कि ओरल कैंसर, जिसे हम मुख कर्क रोग भी कहते हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पे हमारे देश में फैलता जा रहा है। क्या एक वजह हो सकती है मुख के कैंसर की? आपने जिसको मुंह का कैंसर बोला है, उसको हम साइंटिफिकली हेडेनिक कैंसर्स में कैटेगरी करते हैं। और मुख्यत्वे हेडेनिक कैंसर ये वन ऑफ द मेजर चंक अपने इंडिया में है। और आज नहीं बोला तो 30-35% कैंसर, सभी कैंसर्स में से खाली हेडेनिक कैंसर्स है। अब हेडेनिक कैंसर्स में हमारे हिसाब से कैटेगरी ऐसे ऐसी आती है कि मुंह, गला, जबान, मुंह के अंदर का सभी बकल म्यूकोजा, चिक, मैंडिबल और लिप्स, ये सभी इस कैंसर में आते हैं। और सामने जाने के बाद में थ्रोट, अपन जो स्वॉलोइंग करते हैं उसको अपन पिछले साइड में उसको थ्रोट बोलते हैं। वो अन्न नलिका का पहला पार्ट हो जाता है, फिर नीचे अपना जो फूड है नीचे उतरता है, वो इसोफेगस में जाता है। तो अपर एरोडाइजेस्टिव ट्रैक, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है जिसके लिए हम कैंसर में, हेड एंड नेक कैंसर में वापरते हैं। तो इसमें अपनी जीभ, जबान, मुंह, गला, लिप्स, चीक का इनर पार्ट, थ्रोट और अपर इसोफेगस, ये पूरा अपर एरोडाइजेस्टिव ट्रैक में आता है। और फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक, माने नाक में से अपन सांस लेते हैं, वो भी एरिया, और मैक्सिलरी, ये सभी चीजें ये एरोडाइजेस्टिव ट्रैक में आती है। और आपने जैसा राइटली कहा कि थ्रोट कैंसर इंडिया में बहुत है, तो पता है अपने को, सभी को, आज इसका मेन कारण क्या है? देखो, अपन ने सोचा तो पूरे वर्ल्ड में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये एडजॉइनिंग जो एशियन कंट्रीज है, इसी में टोबैको विथ चूना, इसका जो अपन जो स्लरी बना के खाते हैं, जिसको अपन कॉमनली सेंट्रल इंडिया में खर्रा बोलते हैं, तो ये जो मिक्सचर है वो बहुत डेंजरस माना जाता है। रादर मैं बोलूंगा टोबैको इन एनी फॉर्म, वो खर्रा है, वो सुपारी के रूप में है, वो कोई पान कोई मसाले के रूप में है, या वो स्मोकिंग के रूप में है, वो खैनी के रूप में है, या कोई दंत मंजन के रूप में है। तंबाकू हर चीज में बॉडी के लिए हानिकारक है। और ये तंबाकू आप अलग अलग तरीके से खाने से भी एरोडाइजेस्टिव ट्रैक पूरा अफेक्ट होता है। और लॉन्ग टर्म यूज से अपने को पूरे इंडिया में इसका कैंसर मेनली अपने को ऑब्जर्व किया जाता है। अब अपन ने वैसे सोचे तो लक्षण जो है मेनली मुंह, गला या मुंह के अंदर भाग में, या जबान में, या अपने हृदयों में कहीं तो भी सूजन आना, फोड़ आना, गठान होना, और ये सभी में से ये जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो महीनों महीने या वीक्स टुगेदर वो हील नहीं होना, और उसमें से ब्लीडिंग होना, और कंटिन्यू मेडिसिन कुछ लेते हुए भी वो 3-4-5 हफ्ते जब ये चीजें दुरुस्त नहीं होती है, तो ये सभी चीजों में अपन कैंसर सस्पेक्ट करते हैं। थ्रोट में थ्रोट पेन होना, कान में दर्द रहना, कोई खाना खाते वक्त या पानी पीते वक्त गले में दर्द होना, या निगलने में तकलीफ होना, ये सभी चीजें अपन लक्षणों में गिनते हैं। इसमें से कोई भी चीज रहती है किसी को, तो उसने 2-3 हफ्ते में यदि ये अपने आप नॉर्मल ट्रीटमेंट लेने से यदि पूर्णतः दुरुस्त नहीं होती है, तो इस टाइप के लक्षण 100% अपन ने पूरे टोटली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कहीं ये गलती से ये एबनॉर्मल है या कैंसरस रूप तो नहीं ले रहा है, इसका मुलाहिजा करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। बहुत पॉपुलरली आजकल जनरल पब्लिक को पता चला है कि कोई भी डायग्नोसिस करने के लिए बायोप्सी ली जाती है। बायोप्सी यानी अपने शरीर में का कोई भी जो टिश्यू अपन निकाल के उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए जांच करते हैं, उसको अपन बायोप्सी कहते हैं। तो बायोप्सी ये 2-3 रूप में होती है। जैसे कुछ घंटों में अपने को कुछ जांच करना है तो अपन एक स्मियर ले सकते हैं, और वो स्मियर पे से अपने को तुरंत 2 घंटे में
पता चल सकता है कि भाई कैंसर है या नहीं है। समझो सस्पेक्टेड एरिया में का स्मियर निगेटिव रहता है तो उसमें फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी यानी एक फाइन नीडल में से एक उसमें से जैसे अपना टीटी का इंजेक्शन देते हैं उस टाइप का फाइन नीडल से अपन कुछ उसमें से द्रव एस्पिरेट करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करके कैंसरस सेल के बारे में डिटेक्ट करते हैं। इस प्रकार से भी अपन हार्डली 4 से 6 घंटे में कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। समझो ये सभी चीजों में अपनों को सस्पिशन है लेकिन कैंसर मिल नहीं रहा है तो ऐसे इसमें फिर ओपन अंडर एनेस्थीसिया या लोकल अंडर एनेस्थीसिया अपन उसमें से एक एवरेज में 1/2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का सस्पेक्टेड एरिया का टिश्यू का टुकड़ा अपन उसको जांच के लिए निकालते हैं और वो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए करते हैं। उससे अपने को बायोप्सी से 100% डायग्नोसिस होता है। इन जनरल नागपुर में अपन ने सोचा तो इस टाइप का हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन से डायग्नोसिस हार्डली 48 आवर्स टू 72 आवर्स में भी हो सकता है। थ्रोट कैंसर में सर्जिकल ट्रीटमेंट ये मेन स्टे नहीं रहता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट के जगह यदि पेशेंट अच्छा स्वॉलोइंग करता है तो ऐसे पेशेंट को न्यूएडजुवेंट कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन ऐसी कॉन्कोमिटेंट कीमो रेडिएशन ट्रीटमेंट प्लान करते हैं ताकि वो दोनों टाइप की ट्रीटमेंट से उसको फायदा हो जाए। और ऐसे समझ लीजिए स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 के पेशेंट यदि रहते हैं थ्रोट कैंसर के वो भी नियरली 60-80% अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते। आज गए 15 साल में टारगेटेड कीमोथेरेपी अच्छे कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स और अच्छी रेडिएशन मशीन्स लाइक लीनियर एक्सेलेटर और टारगेटेड रेडिएशन ताकि उस रेडिएशन का आजू बाजू के टिश्यू पे बुरा असर न पड़े या एडवर्स इफेक्ट न हो। ये सभी चीजें उपलब्ध होने के कारण ये अच्छी कीमोथेरेपी और एडवांस रेडिएशन इससे अपने को थ्रोट कैंसर्स में आजकल अपने को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और इसमें ट्रीटमेंट प्लान में बहुत एडवांस ट्रीटमेंट होने लगी है और मैक्सिमम पेशेंट को इसका अच्छा रिस्पांस मिलने है। ये कैंसर में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में 95, 96, 97 ये 3 साल में ट्रेनिंग लेके बाद में स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर न्यूयॉर्क में पूरा मेरा हेड एंड नेक का कंप्लीट ट्रेनिंग करके मैं 99 में नागपुर में आया हूँ और 99 से लेकर आज तक 2022 तक मेरा ये सुरेंद्रनगर का देशमुख एंड कैंसर सेंटर केयर सेंटर सुरेंद्रनगर नागपुर और गेटवेल हॉस्पिटल धंतोली ये दोनों जगह समझ लीजिए दुनिया में जितने भी टाइप के कैंसर्स है दुनिया में जो जो कैंसर सर्जरी होती है ये सभी कैंसर सर्जरी ये दोनों हॉस्पिटल में मैं गए कम से कम 25 साल से कर रहा हूँ और नागपुर में ये सभी चीजें अवेलेबल है। मैं गेटवेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट धंतोली नागपुर यहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ। हमारे ये 100-बेडेड हॉस्पिटल में सभी टाइप के कैंसर्स के ऑपरेशंस होते हैं मैं वहाँ अवेलेबल हूँ। दूसरा कैंसर सर्जिकल केयर सेंटर सुरेंद्रनगर नागपुर यहाँ पे भी मैं अवेलेबल हूँ और मेरा फ़ोन नंबर 9823056544 ये नंबर पे मेरे से बात करके कभी भी ना झिझक मेरे से कांटेक्ट करके किसी को भी प्रॉब्लम है तो मेरे से बात करने में मेरे को कोई हरकत नहीं क्योंकि ऐसी ताजा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज 9 और हमारे चैनल को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।